हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज 25 जुलाई 2018 है और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। अगर आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। कल जो लास्ट में मैंने प्रश्न पूछा था दो, उसका आंसर मैं लास्ट में ही बताऊंगा और लास्ट में दो और क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक 2017 के अनुसार चेक बाउंस होने की स्थिति में मामला अदालत में जाने पर चेक जारी करने वाले को कितना प्रतिशत दंड पर ब्याज देना पड़ेगा। 20%। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ ये क्या है। जैसे कि कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी को चेक देता है और वो चेक लेकर बैंक में जाता है, और जब भी वो बैंक में जाता है तो पता चलता है जिसने चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसा नहीं है, जिसके वजह से वो चेक बाउंस हो जाता है और सामने वाले को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जिसके वजह से अगर वो आदमी जो बैंक में चेक लेकर गया था, अगर वो आदमी कोर्ट में जाता है और ये मामला अदालत में रखता है, तो इसके तहत चेक पे जितनी भी राशि है उसका 20% प्लस करके उसको देना पड़ेगा जिसने चेक दिया था। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। संशोधन के लिए यह बिल जनवरी 2018 में लोकसभा में पेश हुआ था। ठीक है, अब चेक का बात चला है। एक चीज हमेशा एग्जाम्स में पूछता है, चेक जो जारी किया जाता है उसका वैलिडिटी कितने मंथ का होता है? 3 मंथ का होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें 200 गाय भेंट स्वरूप दी है? ठीक है, किस देश को 200 गाय भेंट स्वरूप दी है? रवांडा को दिया है। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देश 3 देशों के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने रवांडा एक देश है वहां पर वो गए हैं, तो वहां पे 200 गाय भेंट स्वरूप दिए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। रवांडा की राजधानी है किगाली और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं पाउल कागामे। ठीक है, अब यहाँ पर रवांडा का बात चला है तो एक चीज़ और जान जाइए। रवांडा के साथ 8 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें रक्षा, व्यापार, कृषि, चमड़ा, डेयरी भी शामिल है। 200 मिलियन डॉलर ऋण भी दिया गया है औद्योगिक पार्क के विकास और 3 कृषि परियोजनाओं के लिए रवांडा में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। कितना मिलियन डॉलर? 200 मिलियन डॉलर। रवांडा के जो प्रेसिडेंट हैं पाउल कागामे, इनका भी नाम याद रखिएगा, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, पाउल पाउल कागामे कागामे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के हाई कोर्ट में जज बनकर किस महिला ने इतिहास रच दिया है? ताहिरा सफदर ने। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखिएगा। पाकिस्तान जो है मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। ठीक है, वहां पर जो भी मुस्लिम बहुल राष्ट्र होता है वहां पर जो वुमेन्स होती है उसको कोई भी ऊंचा पद जल्दी मिलता नहीं है, जिसकी वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पाकिस्तान में एक स्टेट है बलूचिस्तान, वहां की हाई कोर्ट की ये जज बनी है, ताहिरा सफदर चीफ जस्टिस बनी है। थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में जान जाइए। इस वक्त पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री नसीरुल मुल्क हैं। केयर टेकर इसलिए क्योंकि अभी वहां पर कोई भी अस्थाई प्रधानमंत्री नहीं है, हाल ही में चुनाव होने वाला है उसके बाद से कोई अस्थाई प्रधानमंत्री बनेगा। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के रुपया का नाम है पाकिस्तानी रुपया। हाल ही में एक न्यूज आया था पाकिस्तान से, आप लोग जानते होंगे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ को सजा हुई है। ठीक है, एवनफील्ड रेफरेंस केस में इन्होंने 4 लग्जरी अपार्टमेंट लंदन में खरीदा था, इसी के ऊपर इनके ऊपर केस हो गया कि ये दौलत आया कहाँ से। ठीक है, तो नवाज शरीफ को 10 साल की सजा हुई है और उनकी बेटी मरियम शरीफ को 7 साल की सजा हुई है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वें एशियाई खेलों हेतु भारतीय कुश्ती संघ यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है? ये चुना गया है ब्रिजभूषण शरण सिंह को। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
ये भी जान जाइए 18वां एशियाई खेल कहाँ पे आयोजन होने वाला है इसका, जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है, 18वां होगा ये भी ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जकार्ता एशिया की राजधानी है, जकार्ता में आसियान का मुख्यालय भी है, और ये एशियाई खेल का आयोजन कब से कब तक होगा? 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच होगा। इसका मोटो जान जाइए, मोटो इस खेल का मोटो जान जाइए क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ एशिया, यही मोटो है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डीजल अनुदान का किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? बिहार में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो भी किसान होते हैं वो खेत में सिंचाई करने के लिए या फिर किसी भी तरह का वो मशीनरी इस्तेमाल करते हैं जिसमें डीजल लगता है, तो डीजल पे बिहार सरकार जो है अनुदान देती है। अब वो ऑनलाइन हस्तांतरण होगा डायरेक्ट बिहार के कृषि जो किसान हैं उनके खाते में। ठीक है, थोड़ा सा बिहार के बारे में जान जाइए। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या है 40, विधानसभा सीट की संख्या है 243। मैं लिख दे रहा हूँ, 243 विधानसभा सीट की संख्या है, लोकसभा सीट की संख्या है 40, और राज्यसभा सीट की संख्या है 16। बिहार में एक कोसी नदी है जिसे शोक नदी भी कहा जाता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीम बांध नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों बिहार में है। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, विक्रमशिला वन्य जीव अभयारण्य, ये भी बिहार में ही है। डेली इस तरह के रिपीट होने से स्टूडेंट्स आप कभी बोर नहीं होइएगा, आपके दिमाग में एक बार चीज़ें जो सेट हो जाएंगी कभी आप नहीं भूल पाओगे। नॉलेज मेन जरूरी चीज़ है, आपको नॉलेज रहेगा तो ही एग्जाम निकलेगा। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा तो फिर इस तरह से नहीं होता है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जानना ही पड़ेगा। इसलिए आप जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करिएगा, तो इतना चीज़ें आप जान जाते हैं। बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है जाट जाटिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत को तेल आपूर्ति करने के मामले में सऊदी अरब को पछाड़कर कौन सा देश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है? ईरान, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे पहुंच गया है, आप सोच रहे होंगे पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पर है इराक। यानी इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा जो कच्चा तेल आता है इराक से आता है, और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब था लेकिन अब ईरान हो गया है। ठीक है, ये तीसरी तिमाही जो चल रहा था, वित्त वर्ष तीसरी तिमाही में ईरान से सबसे ज़्यादा तेल आया है, अब 3 नंबर पे चला गया है सऊदी अरब, क्योंकि अब यहाँ पे ईरान का बात चला है। तो ईरान के बारे में कुछ जान जाइए। ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ठीक है, और यहाँ की करेंसी है रियाल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना को लॉन्च किया है? कहाँ पर लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपए का सड़क परियोजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नितिन गडकरी कौन है? ये केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश का बात चला है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। कई बार ये नेशनल पार्क एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या है 29, विधानसभा सीट की संख्या है 231, और राज्यसभा सीट की संख्या है 11। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है भगोड़िया, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला जलवायु परिवर्तन केंद्र किस शहर में स्थापित किया है? लखनऊ में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन केंद्र हिंदी में है, इंग्लिश में आप CCC देख रहे हैं। CCC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लाइमेट चेंज सेंटर। ठीक है,
यहाँ पे आप नबार्ड देख रहे हैं। ये नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इस वक्त नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला। एक्स्ट्रा चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होती है एग्जाम्स के लिए। स्टूडेंट, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी फायदा पहुंचाता है तो 1 लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे शेयर भी कर दीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9वां नंबर। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। 1999 में जम्मू कश्मीर में जो कारगिल एक जगह है वहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया था, वही कारगिल विजय दिवस के रूप में जाना जाता है। 26 जुलाई को ये निर्णय हो गया था कि भारत जीत चुका है। तो इस तरह से 2018 का जो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है ये 19वां विजय दिवस है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में द्रास युद्ध स्मारक पर 19वां कारगिल विजय उत्सव शुरू हुआ है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम्स में कि कारगिल विजय उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में कहाँ? द्रास युद्ध स्मारक पर। मैं लिख दे रहा हूँ, द्रास युद्ध स्मारक पर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। बिहार का पहला शौच मुक्त जिला कौन सा बना है? वो बना है सीतामढ़ी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो अभी शौच मुक्त सिर्फ जिला बना है। ठीक है, शौच मुक्त को इंग्लिश में ओपन डेफिकेशन फ्री बोलते हैं, ODF इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगर बिहार 8 लाख और टॉयलेट बनाएगा बिहार में तो बिहार शौच मुक्त राज्य बन जाएगा। लेकिन 8 लाख अभी टॉयलेट बनाने में वहाँ पे टाइम लगेगा। बिहार के बारे में डिटेल से तो मैं आपको ऊपर बता ही दिया हूँ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 के शॉर्ट पुट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? धनवीर सिंह ने जीता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। धनवीर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब के रहने वाले हैं। राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो ये 2018 का हो रहा है ये कौन सा है? 15वां है। इस तरह से चीजें याद रखिए। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान जाइए। धनवीर सिंह जो स्वर्ण पदक जीते हैं, आदिश घिल्डियाल। ठीक है, आदिश घिल्डियाल, आदिश मैं लिख दे रहा हूं, आदिश घिल्डियाल, घिल डियाल, ये जो हैं ये रजत पदक जीते हैं। ठीक है, और आदिश घिल्डियाल जो हैं उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब एक चीज़ और जान जाइए, इसी के साथ राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2018 में धनवीर सिंह और 100 मीटर की बाधा दौड़ की विजेता अपर्णा रॉय को राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है। तो इन दोनों का नाम याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे घोषित किया गया है? धनवीर सिंह को और अपर्णा रॉय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने किसानों को बिजली से संबंधित समस्या की शिकायत के लिए एक मोबाइल ऐप बिजली मित्र लॉन्च किया है? राजस्थान। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये बिजली मित्र क्या है थोड़ा सा जान जाइए। अगर जैसे कि किसान है और गांव में बिजली जाता है और बिजली ट्रांसफार्मर के जरिए जाता है, अगर ट्रांसफार्मर खराब हो जा रहा है तो किसान जो है बिजली मित्र ऐप है, इस ऐप पे उसका रिपोर्ट डालेंगे कि यहाँ का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, तो तुरंत जो है ये कार्रवाई किया जाएगा और वहाँ पे न्यू ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। तो राजस्थान की सरकार ने ये चालू किया है। इस वक्त राजस्थान के सीएम कौन है? वसुंधरा राजे। और वहां के गवर्नर हैं कल्याण सिंह। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कुछ चीजें और जान जाइए,
सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में ही हैं। कई बार एग्जाम्स में ये नेशनल पार्क रिपीट हुए हैं। राजस्थान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 25। विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 200। और राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? 10। राजस्थान का दो बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, उनका भी नाम जान जाइए, घूमर लोक नृत्य और कलबेलिया लोक नृत्य। और भी लोक नृत्य हैं लेकिन ये दो बहुत ही फेमस हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं, घूमर लोक नृत्य, कलबेलिया लोक नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग ने आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम हेतु किस सामाजिक संस्था के साथ समझौता किया है? ल्यूपिन फाउंडेशन के साथ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस कार्यक्रम के तहत यानी आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम के तहत 3 जिला को अपनाया गया है यानी एडॉप्ट किया है ल्यूपिन फाउंडेशन ने विकास के लिए, जिसमें कौन सा जिला है? तीनों नाम सुन लीजिए। ढोलपुर जिला जो कि राजस्थान में है, विदिशा जिला जो कि मध्य प्रदेश में है, नंदरबार जिला जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बताया था ये आकांक्षापूर्ण जिला जो है ये आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम में सबसे पहला स्थान किस जिला को मिला है, तो वो मिला है दाहोद जिला को जो कि गुजरात में है, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, 108 जिलों में दाहोद जिला को पहला स्थान मिला था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर, इसका PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए मैं कल के प्रश्न का आंसर बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन था स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 का खिताब किसने जीता, तो ये जीते हैं फाबियो फोगनिनी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था, इसका मतलब ये है कि वो लोग डेली करंट अफेयर नहीं देखते हैं। आधे से ज़्यादा 60-70% ने रोजर फेडरर बताया था, क्योंकि ये फेमस है इसलिए उन्होंने सभी लोगों ने तुक्का मार के रोजर फेडरर किया। ठीक है, ऐसा तुक्का नहीं मारिएगा, ध्यान रखिएगा, डेली करंट अफेयर आप लोग देखिए। फाबियो फोगनिनी जो हैं स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 का खिताब जीत गए हैं, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर था। दूसरा क्वेश्चन था मौलिक अधिकार का जिक्र संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार का जिक्र जो है संविधान के 3rd भाग में है, इसका भी बी ऑप्शन राइट था। अब चलिए आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। 2017 का AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए किसे चुना गया है? दूसरा क्वेश्चन है मूल कर्तव्य का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिखिए। आप लोग कमेंट करते हैं तो ABCD लिखते हैं, ABCD नहीं लिखिए, पूरा नाम लिखिए। अगर आंसर अगर इसका डी है तो अनुच्छेद 51A इस तरह लिखिए, ADBC ऐसा मत लिखिए। ठीक है, जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर अगर देखना चाहते हैं, और प्लीज़ 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा।